हेलो शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है मंडे और आज सुबह 5:30 बजे अजान उठ गया और तब से हम जगे हुए हैं। मुझे और थोड़ा देर सोना था, यू कैन सी आई एम सो ड्राउजी, बट फिर वो सोया नहीं तो हम भी नहीं सो पाए। बट हाँ, अब उठ ही गए थे सुबह तो मैंने फुल यूज़ कर लिया उस टाइम को, पूरी लंच बन गई, दिन भर का खाना मैंने बना लिया। सो आई एम सो रेडी, तो आपको दिखाती हूँ उसका नज़ारा अभी। ये है मैंने मेरी फ़िश फ्राई जो बाहर बनाया मैंने, फिर ये दाल बन गई थी, ये किनोवा भी बन गई। तो पुदीना को आप कैसे रीग्रो कर सकते हैं, ये देखिए मैं पुदीना लाई थी तो सारे पत्ते निकाल दिए, ऊपर में 2-3 पत्ते मैंने छोड़ दिए थे और नीचे स्टेम को स्लाइट स्लांट करके काट दिया और मैंने थोड़ा पानी देके एक ग्लास में रख दिया और विंडो के पास रखा जहाँ उसे धूप थोड़ा सा सनलाइट मिले। और 4 दिन में ही उसके रूट्स निकल आए हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम है इसे मिट्टी में लगा दूंगी तो ये बहुत जल्दी 1-2 बारिश में ही अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। उसके बाद मुझे एक मैसेज आया मेरी फ्रेंड कविता का कि उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया था कल और उसमें उन्होंने मेरे लिए कुछ रखा हुआ था, तो मैंने जाके खोला एंड इट वाज सो गुड टू सी अ ब्यूटीफुल कार्ड। और उन्होंने इतने अच्छे काइंड वर्ड्स लिखे हैं मेरे लिए, सो थैंक यू कविता फॉर मेकिंग मी सो फील सो स्पेशल। दिस इज़ सो नाइस, यू आर सच अ काइंड हार्ट लेडी। एंड कविता बहुत ही अच्छी है और शी इज़ द बेस्ट योगा पर्सन आई हैव एवर सीन। सो मैं कभी आपको मुलाकात करवाऊंगी और उनके योगा फॉर्म से भी मुलाकात करवाऊंगी, बट वेरी नाइस, सो थैंक यू कविता। उसके साथ उन्होंने मुझे ये दिया है एक एंकलेट विच इज़ सो प्रिटी। सो आई थिंक आई जस्ट लव द जेस्चर कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। सो जब आप ये छोटे छोटे चीज़ें करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू अल्लाह, बिकॉज दीज आर ऑल डन बाय अल्लाह एंड इट्स जस्ट दैट ही मेक्स पीपल एज हिज सोर्स। सो मॉर्निंग तो खूबसूरत हो गई, ये ऐसे वर्ड्स जो इतने अच्छे लिखे हुए थे और ऐसे तोहफों से, तो मॉर्निंग तो मंडे की अच्छी हो गई। अब देखते हैं दिन कैसे जाता है। तो आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ा देर में। कुछ दिन नीचे मैंने फरहान को बोला था मुझे पॉपाइज खाना है और देरी हो गई थी तो ला नहीं पाए थे, तो आज उन्होंने झट से जाके मेरे लिए श्रिम्प पॉपकॉर्न और पॉपाइज से मेरे लिए लंच लेके आए थे। सरप्राइज़ था, मुझे अच्छा लगा, मुझे भूख भी लगी थी तो मज़ा आ गया। हेलो, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम निकल चुके हैं, हमारे कुछ कुछ काम हैं। जैसे मैंने कहा था मुझे 2 और मिठाई के डब्बे देने बाकी थे तो वो अभी हम दे देंगे और फिर हम जाएंगे कॉस्को एंड कफूर, क्योंकि हमें कुछ और ग्रोसरी करनी है जो हमें वीकेंड में करनी थी पर हमने नहीं की, तो वो सब ले लेंगे फिर घर आएंगे। तो पहले चलते हैं, मुझे पेपर उठाना है जो मैं आपको बताई थी, मैं एनिमल ह्यूमन सोसाइटी के लिए पेपर कलेक्ट करती हूँ। और तो अभी मेरा 2 स्टॉप है उसका और फिर मिठाई देंगे एंड ग्रोसरी करेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय अंकिता, आज फिर मुलाकात हुई। दिस डब्बा इज नॉट फॉर मी। हाँ, ये हारिका का है और अंकिता मुझे हेल्प कर रही है हारी तक पहुंचाने के लिए, सो थैंक यू। आ गए हम कॉस्को, काफी विंडी है, चलिए अंदर चलते हैं। ये आ गए हम अंदर और हमेशा एंट्रेंस में उनों के जो प्रोडक्ट्स जो वो चाहते हैं हाईलाइट करना वो रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोवर जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था और यहाँ पर समर के सारे चीज़ें रखे हुए हैं। बड़े बड़े टेंट्स आप देख सकते हैं ऊपर लगाए हुए हैं, पॉट्स आए हुए हैं, तो समर में जो भी आपको ज़रूरत है वो सारे लीफ बैग्स भी देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे चीज़ें जो आपको समर में चाहिए और बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं आपको, जैसे आपको साइड बाय साइड, मुझे एक डिलाइट लगता है ऐसे वॉक करना, देखते रहना प्रोडक्ट्स, सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, मज़ा आता है देखने के लिए। बट अब हम पहुंच गए हैं अपना सामान लेने के लिए। हमें लेना है एवोकाडो और इसे सही तरीका लेने का ये होता है कि देखना एकदम हार्ड वाला लेना है ताकि आप जब इसे फिर थोड़ा दिन बाहर रखेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से पक जाता है।
खाने जा रही हूँ सैलड और कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पर, आपको सैलड मिलेगी। मुझे अच्छे लगता है स्प्रिंग मिक्स, ये वाली यहाँ आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिखेंगे, ये है रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चाहिए, लेने वाले हैं एस्परेगस, ब्रोकली, और यहाँ आता है जो कि जिंजर ऐसे बॉक्स में आती है, शूज मिलते हैं, ब्राउन वाले हैं, वाइट वाले हैं, गाजर है, और ये चीले हुए काले जो मैं लेती हूँ हमेशा। ये देखिए गुआवा, ये है आपका रेडीमेड खाना, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लीजिए और आराम से खाइए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रिल करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें तो जो तैयार है खाने के लिए। दिस इज अज़ान्स फेवरेट, थैंक यू। क्यूकम्बर पिकल बोलते हैं सर, आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए काजू और ये मिक्स है, काजू आमंड्स मिक्स है यहाँ पर, ये है प्रालीन पिकॉन चाहिए, फिर से काजू और ये शीरे में डुबा हुआ, और यहाँ पे स्टैचू हर टाइप के हैं, शेल वाले, बिना शेल वाले, सॉल्ट एंड पेपर वाले। ये बहुत ही टेस्टी होता है, यूजुअली आप देखेंगे ये चॉकलेट में आपको मिलता है, चॉकलेट कवर्ड होता है, ये मैकाडेमिया नट्स होते हैं जो एक्चुअली हवाई की स्पेशल होती है। पम्पकिन सीड्स एक सुपर फूड है, आप लोग अगर घर में कद्दू के मंजी को फेंक देते हैं, ट्रस्ट में बहुत अच्छी किफ़ायती है, रोस्ट करके खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये है पीनट, क्योंकि हमारे आइटम कम है आज हम कर रहे हैं सर चेकआउट। हो गई हमारी कॉस्को की शॉपिंग, यहाँ पर बहुत सारे खाने के भी आइटम्स मिलते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, चिरोज और हॉट डॉग, आइसक्रीम, शेक्स एंड कोल्ड ड्रिंक, यहाँ लोग ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया यहाँ पर पिज़्ज़ा कैसे बनती है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम चल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है गफूर भाई के पास, गफूर भाई यानी कफूर। हम जब एंट्रेंस एग्ज़िट करते हैं यहाँ पर, ये लोग फिर से हमारा रिसीट चेक करते हैं जस्ट टू मेक श्योर जो भी रिसीट में है वो हमारे सामने है। थैंक यू, वो चेक करके एक टिक मारते हैं रिसीट पे, फिर हम जा सकते हैं घर। हाय सैमी, ये आ गए हम कफूर और अजहान जा रहा है अपना कार पिकअप करने। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कार्ट में कार होता है बच्चों के लिए, और अजहान को वो बड़ा मज़ा आता है राइड करने में। आप देख सकते हैं यहाँ शुरू में ही सारे समर के सामान हैं, यानी कि चिप्स, डिप्स और जितने स्नैक आइटम जो बच्चों के लिए होते हैं। यहाँ पर गाजर की वैरायटी देखिए, ये सैलड्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, कितने कलर के हैं ये गाजर, खूबसूरत लगते हैं, इसे कहते हैं पकचोई। ये है सैलरी रूट, एस्करोल, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता कि मैं नहीं बनाती हूँ तो, बट अच्छा लगता है देखने के लिए लोग बनाते हैं, इनको आता है। ये देखिए पाला, ग्रीन अनियन, ये है बीट रूट, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये चीज केक, एक्लेयर्स, कपकेक्स, ख़त्म नहीं होता यहाँ, फ्रीज़र में भी केक है। अगर आपको केक पसंद नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कुकी केक का भी, ये कुकी के ऊपर वो लोग आइसिंग करके देंगे, एक केक के तरह ही बनता है। और ये है डोनट्स,
ये सब बहुत ही यम्मी होते हैं, बट शुगर भी बहुत होता है। ये बहुत क्यूट था। इसमें आप अपने पेट को कैरी कर सकते हैं, सो क्यूट, मतलब टॉय पेट, इट्स नाइस। और ये है फूड शेल्फ डोनेशन, यहाँ डोनेट कर सकते हैं फूड शेल्फ। ये चॉकलेट्स के रैक। तो हो गई हमारी कपफूड की शॉपिंग। अभी हमें और एक जो डब्बा देना था मिठाई का, साहिल को देना था, तो साहिल अभी पार्किंग यहीं पे आ गई है, तो मैं यहीं पे उसे दे सकती हूँ। उसको कपकेक मिल गया, कपकेक। क्रीम सिर्फ खाता है। अच्छा, क्रीम पसंद है। हाय साहिल। हेलो। बस बस, यू वांट टू से हेलो? प्लीज से हाय। स्मॉल ट्रक। We are going home, Neil. आ गए हम घर और सामान क्या लाए हैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। देखिए, फरहान को मछली का सर खाना बहुत अच्छा मन कर रहा था उनको ये देख के, तो उन्होंने सैमन का ये लाए हैं और उसका टेल भी लाए हैं, तो मुझे ये बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये सैमन का है तो मैं वही तरीके से बनाऊँगी जैसे हम अपना नॉर्मल रोहू बनाते हैं, तो देखते हो कैसे बनता है। तो आज का दिन हुआ ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन अच्छा था और आपने देखा, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें शाद लव लाइफ में। और जैसे मैंने कहा था, कल मैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हुई हूँ जिसका नाम है क्रिश्चियन शॉबेट। उसका रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई ज्वेलरी पसंद आती है, अगर आप ऑर्डर करते हैं, मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा SHAD09, जिसमें आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। और मैं जल्दी उसकी फ़ोटोशूट करके डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम में, तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।